मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी महामारी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी नहीं आई और पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन भाजपा सरकार ने संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी, मिले सबको अन्न। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है, लेकिन इतने बड़े संकट में, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में, इस काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाई, ये काम करना मेरे लिए एक पवित्र सेवा का काम था। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहां गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई। गांव गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को पहला डोज तो लग ही चुका है और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। और वैक्सीन की वजह से लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। भाइयों बहनों, आप सबने वैक्सीन लगवाई है ना? मुझे बताइए, वैक्सीन लगवाई है ना? आपको एक नए पैसे का खर्चा हुआ है क्या? आपको कोई दिक्कत हुई है क्या? मुझे बताइए, ऐसे संकट के समय ये पवित्र काम मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देशवासियों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, इसी वैक्सीन की वजह से अब पंजाब में भी स्थितियां थोड़ी बहुत सामान्य होने के कारण आर्थिक गतिविधियों ने भी अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। साथियों, पठानकोट में मैं अभी देख रहा था, कई परिवारों से मैं हाथ उठा उठा करके सबको नमस्ते कर रहा था। सारे पुराने लोगों के चेहरे आज मेरे सामने थे। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, कभी टू व्हीलर पर आता था, कभी रेल के डिब्बे से यात्रा करके पहुंचता था और आपके पठानकोट आता था, कभी जम्मू से दिल्ली जाता था तो रात को ट्रेन स्टेशन पे ये पठानकोट के अनेक परिवार मेरे लिए खाना लेकर के आते थे, मुझे टिफिन का डब्बा पहुंचाते थे। ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण समय मैंने आप लोगों के बीच में बताया है। यहां की माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हैं, जहां लगेगी रज तो बढ़ेगा गज। याद है ना, इस हमारे मांझा इलाके में
हम सुनते हैं। यानी जैसे जैसे शरीर को मिट्टी लगेगी कद भी बढ़ेगा। माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया है, मां जैसा स्नेह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को जरा सुनना पड़ेगा, आज आपके घर में आया हूं, बताऊं ना, कोई कड़वी बात बताऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना, ऐसा नहीं, जोर से बताइए, थोड़ा कड़वी बात बताऊं तो बुरा नहीं लगेगा ना, पक्का नहीं लगेगा ना, तो बता दो, बता दो। अब देखिए, आपके बीच में मैं इतने साल रहा, आपकी रोटी खा करके मैं बड़ा, लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, वैसा अवसर मुझे पंजाब की सेवा करने का नहीं मिला है। और पहले भी हमारा हाल क्या था, पहले हम यहां भी एक छोटे पार्टनर के रूप में, छोटे दल के रूप में सरकार के साथ एक हाशिए में किनारे पर साथ साथ चला करते थे, पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की एकता के लिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए। हमने हमारी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं, किसानी, व्यापार, इंडस्ट्री नो लाहे बंद बनाया जाएगा, गरीबा ते मजदूरानू उन्हा दे एक दीते जानगे, पंजाब नू महफूज ते चढ़दी कलावा बीच रखावे। साथियों, जनता जब भाजपा को मौका देती है, फिर न जनता हमारा हाथ छोड़ती है, न जनता हमारा साथ छोड़ती है, और न हम जनता की सेवा का काम छोड़ते हैं।